नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। अभी हम खड़े हैं एलेश्वरम के पास नाड़ीपति गौशाला में, जो बहुत अनोखा गौशाला है पूरा भारत देश में और दुनिया में। हम यहां पर हैं, यहां पर बहुत अजीब की जैसे गाय हम देख सकते हैं, जो बहुत प्राचीन भारत में और प्राचीन सनातन धर्म में हुए रहते थे घरों में। ये हमें इस दुनिया को लेकर आए हैं डॉक्टर प्री कृष्णम राजू जी, जो बहुत अनोखे 14 साल से इसके ऊपर रिसर्च करके एक गाय के ऊपर 5 फीट का गाय से लेके अभी 1-2 फीट में इसको लेके आए हैं। ये 7 फैमिलीज के साथ उनका फैमिली से लेके आके 1650 गायों के ऊपर रिसर्च करके अभी 1-2 फीट में आए हैं। और इस 1-2 फीट की ऊंचाई नहीं होते हैं, सो इनका मेन ये है, जो गाय हम घर में रहते थे ओल्डन डेज में, नहीं तो प्राचीन भारत देश में, अभी वो गाय हमने बाहर भेज दिया है पूरा। हम तो कुत्तों को घर में लेके आए, अंदर लेके आए, लेकिन हम यहाँ देखने से ये गाय का बहुत बहुत यूसेज हो सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, हम बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये गाय बहुत अजीब की गाय है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर एक गौशाला पहाड़ों के बीच, एलेश्वरम पहाड़ों के बीच है। यहाँ पर काकीनाड़ा सिटी से ये 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इससे इतना ये सीख सकते हैं कि गाय जब घर के अंदर रहता है, बहुत सारे बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है, जो नेचुरली हो सकता है। ऐसे हमें लेके आए हैं डॉक्टर कृष्णम राजू जी ने, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं। ये गाय आप देख सकते हैं मेरे पैर के पास कितना है, ये बस 1.5 फीट से 2 फीट ऊंचाई में है, इससे ऊपर ये नहीं हो सकता है। आपको बाहर मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास मिनिएचर ब्रीड है, लेकिन ये मिनिएचर ब्रीड यही कहलाया जाता है। बाकी मिनिएचर ब्रीड थोड़ा ऊंचे रहते हैं, 3 फीट 4 फीट रहते हैं, लेकिन ये मिनिएचर ब्रीड ये 2 फीट के ऊंचा नहीं होते हैं, इससे बस इतना ही ये ऊंचाई पे रहते हैं। आप देख सकते हैं, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि मिनिएचर ब्रीड 3-4 फीट में होता है, वो गलत है। ये सबसे दुनिया में अगर आप देखने से बहुत आपको दिखाई देगा यूट्यूब्स में, लेकिन ये वाला ब्रीड सबसे छोटा ब्रीड है, 1-2 फीट है। अभी हमारा जो नया सिस्टम जो हम बना रहे हैं गाय को अंदर, आजकल जो दुनिया में हम देख सकते हैं बहुत बिजी लाइफ हो गया लोगों के साथ, नेचर के साथ बिताने में बहुत कम टाइम लग रहा है। इसको हम घर के अंदर लेके आके, प्राचीन भारत देश में रहता था, उसको फिर से हम दोहराने के लिए ऐसे बनाए हैं। हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए ये होता है सबसे मिनिएचर ब्रीड। पूरा भारत देश में, नहीं तो आपको दुनिया में देखने से इससे छोटा ब्रीड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कृपया ध्यान से रहिए, क्योंकि बाहर छोटे बच्चों को, पैदा हुए बच्चों को दिखा के मिनिएचर करके बहुत लोग को वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। आप इससे थोड़ा कृपया ध्यान दीजिए, ये होता है सबसे मिनिएचर ब्रीड, 1-2 फीट के अंदर ही होता है। बाहर आपको छोटे बच्चों को पैदा हुए ही आपको दिखा के मिनिएचर करके आपको थोड़ा ये गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। कृपया आप, चेतावनी आपको दे रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो डॉक्टर कृष्णम राजू जी से आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल में है, उसको आप देखकर कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में कितना ऊंचाई पे है, बस 1.5 फीट है, 1.5 फीट और 2 फीट के अंदर ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता है मिनिएचर। कृपया आप ध्यान दीजिए, आज घरों में भी रखने का लायक ये गाय बने हुए हैं। इसको हम घर के अंदर रख सकते हैं, हमारे साथ सो जाते हैं, हम हमारे साथ ही रहते हैं, आपको कुछ तकलीफ़ नहीं देते हैं। लेकिन ये ब्रीडिंग का दूध का गाय नहीं है, बस एक बार आप लेने से 1 या 1.5 लीटर का दूध ये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये फैंसी टाइप ऑफ काऊ है, जो ओल्डन आयुर्वेदिक मेडिसिन फीचर्स इसका लिविंग के साथ हमें पा सकते हैं। ये गाय का ब्रीड है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतने सारे गायों के बीच मैं आज यहाँ पर एलेश्वरम में बहुत खुशी से प्राचीन जो भारत देश में हुआ रहते थे ये गाय, हम इसको देख सकते हैं कितना अच्छी तरह ये जलेबी खा रहे हैं। इनको बहुत पसंद है, ये जलेबी खाने का बहुत शौक है।
आप सभी को धन्यवाद। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपको आना हुआ तो आंध्र प्रदेश में ये है इलेश्वरम, काकीनाडा से 50 किलोमीटर दूरी में है। आप व्हाट्सअप कॉल कीजिए, फ़ोन नंबर लीजिए, बहुत अच्छा गाय हैं सभी। इससे छोटा ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, आप ये सबसे छोटा मिनीचर ब्रीड है। शुक्रिया, धन्यवाद।